अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबा के अंदर आ जाएं। Morning, Angelina children. Welcome to my art and craft class. I hope you all are fine. Okay, let's start today's work. Okay, आज का हमारा क्राफ्ट का आइटम है बेस मटेरियल से हम फ्लावर बनाना सीखेंगे. So are you ready to learn it? So let's start. See, इसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए होंगे लेट मी टेल यू. इसके लिए हमें चाहिए ये वाइट पॉलीथिन पेपर. जैसा कि हमारे घर में कुछ वाइट वेस्ट या कलरफुल भी पॉलीथिन पेपर्स होते हैं, ये तो मेरे पास एक पतली सी थिन पॉलीथिन शीट है जो कि वेस्ट न्यू क्रॉप्स में निकलते हैं और ऑलरेडी लगा कर आते हैं तो उसके बाद ये वेस्ट हो जाते हैं. हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं तो आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ. इसके लिए मैं ये पेपर चाहिए पॉलीथिन या आप कोई भी फोम शीट पतली वाली जो आती है वो भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको. एंड देन आफ्टर दैट आपको एक ब्रूम स्टिक चाहिए पतली सी, कोई भी स्टिक ले सकते हैं, आप न्यूज़पेपर स्टिक से भी यूज़ कर सकते हैं, येलो पेपर एंड ग्रीन पेपर एंड ग्लू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क. सबसे पहले हमको इस वाइट शीट से ऐसे स्क्वायर शेप में ये पेपर को कट कर लेना है. ओके, इसको कट करने के बाद ऐसे स्क्वायर कट करने के बाद हमें इसको इसे फोल्ड करना है और इसको हमको इस शेप में ऐसे कट करना है. इसको आपको इस शेप में इसको कट करना है आम के पत्ते के शेप में. आपके साथ आपको ये ब्रूम स्टिक लेना है और इसे आपको येलो पेपर पेस्ट करना है. पेटल्स के सेंटर में रखना है और यहाँ पे थ्रेड से इसको वाइट थ्रेड से या आपने जो भी कलरफुल पॉलीथीन पेपर लिया है शीट लिया है उसी कलर पेपर से आपको इसको नॉट कर देना.